हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पून्स ऑफ संगीता में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ सत्तू की भरमा कचौड़ी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली। चलिए बनाते हैं सत्तू की भरमा कचौड़ी। सत्तू की कचौड़ी बनाने के लिए हमारे को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, सबसे पहले हम अपनी सामग्री को देख लेते हैं। हमारे को चाहिए होगा गेहूं का आटा, जो नॉर्मल हमने हल्का मोहन डाल के जैसे पूड़ी का आटा तैयार करते हैं ऐसे तैयार करके रखा है। सत्तू, ग्रेटेड अदरक, हरा धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, सूखे मसालों में थोड़ी सी सौंफ, कलौंजी और अजवाइन, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैंने तीनों मिक्स करके रखी हैं। नमक, आम के अचार का मसाला, और अगर आम के अचार का मसाला नहीं है तो आप इसे में नींबू के अचार का मसाला भी यूज कर सकते हैं स्टफिंग के लिए, और अगर नींबू के अचार का मसाला भी नहीं है तो आप लोग इसमें नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगाने के लिए और थोड़ा सा पानी। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। ये हमने इसमें सत्तू पाउडर डाल दिया, फिर हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच ये आम के अचार का मसाला, इससे उसका में थोड़ी सी खटास आ जाती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये जो हमारे सूखे मसाले थे वो इसमें, क्योंकि नमक ऑलरेडी उसमें अचार में काफ़ी तेज होता है अचार के मसाले में, तो उसी हिसाब से बहुत हल्का सा नमक पड़ेगा, थोड़ा सा नमक हम लोग इसमें डालेंगे। ये हमारी हरी मिर्च, ये हमारा अदरक, हरा धनिया, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको स्टफिंग इसकी हम तैयार करेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये बाइंड करने में ना आसानी रहे, ताकि जब हम स्टफिंग उसमें भरें तो हमारी पूड़ी फटे नहीं। हाथ पे हल्का सा ऑयल लिया, ये हमने लोई तैयार कर ली, उसको किनारों से ऐसे दबाते हुए अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे अपनी। हाथ से प्रेस करते हुए अंगूठे से और ऐसे धीरे 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 हम इसको चारों किनारों से बंद कर लेंगे, और फिर हम इसको दबा दबा कर ऐसे अपनी लोई तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस ढंग से ये हमारी लोई तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हम सब पहले लोइयां तैयार कर लेंगे। इस ढंग से ये हमने सारी अपनी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम बेलन पर, अपने चकले और बेलन पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको ग्रीसिंग कर लेंगे और एक एक लोई को हल्के हाथों से घुमा घुमा करके उनको ऐसे हम बेल लेंगे। जब तक हमने उधर पूड़ी बेल ली थी तब तक हमने इधर अपना तेल गरम होने रख दिया था। अब ये हमारा तेल काफ़ी गरम हो गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे साइड से एक एक अपनी पूड़ी डालते जाएंगे। सत्तू में इसमें जो स्टफिंग है सत्तू की और उसमें जो आम के अचार का फ्लेवर है, साथ में जो भी हमने डाले हैं मसाले, बहुत ही टेस्टी लगती है। बिहार में ये पर्टिकुलर बहुत खाई जाती है। आप किसी भी अचार के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, या अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इसको अपने ट्रेवलिंग के लिए भी बना के लेके जा सकते हैं। अगर ये एक दिन रहेगी भी तो भी ये ख़राब नहीं होती है, बस
यही है कि उसके लिए आटा आपको दूध में गूंदना पड़ता है। इसी ढंग से हम अपनी सारी कचौड़ियां तैयार कर लेंगे। इस ढंग से ये हमारी सब कचौड़ियां तैयार हो गई हैं। अब हम इनको सर्व करते हैं। तो ये इस ढंग से हमारी सर्विंग के लिए तैयार हो गई हैं सत्तू की स्टफ्ड कचौड़ी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए आने वाले दिनों में ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आ सकूं।